हाँ, तो क्या हाल है जनता, व्हाट्सअप। तो यार आज की वीडियो होगी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप बोल सकते हो। कि यार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मेरी डार्क नेक है, हम उसको कैसे लाइटन कर सकते हैं। और जो मैं होम रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगा ना, आप हर दिन ट्राई करना, 2 से 3 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ज़्यादा हम बातें नहीं करते, इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से आप फॉलो करो, DM या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोज चाहिए। तो करते हैं शुरू। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है स्टीमिंग। तो मैं उसके लिए क्या ले रहा हूँ, क्लीन टॉवल ले रहा हूँ, उसको गर्म पानी में डिप करके, अब आपने जो टॉवल डिप किया होगा ना उसको स्क्वीज करके उसमें से पानी निकाल लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो टॉवल लेके अपनी नेक पे रखना है। तो जब आप टॉवल से स्टीमिंग लोगे ना तो उससे हमारे पोर्स भी ओपन होंगे और डर्ट रिमूव करना ईजी हो जाएगा। और इसको ना आपको 2 मिनट्स के लिए आराम से रखना है। जब आपके 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो आप टॉवल को उतार लो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लोग स्क्रबिंग करेंगे। तो स्क्रब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर, मतलब कि चावल का आटा, और उसमें ना 3 से 4 स्पून आप रॉ मिल्क ऐड कर लो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो और पेस्ट बना लो। और उसके बाद आपको लेना है 1/2 लेमन। अब लेमन आप डिप कर लो उस पेस्ट में और लेमन के साथ अब स्क्रब करना स्टार्ट कर दो नेक पर। आपको ये प्रोसेस ना 5 मिनट्स तक करना है, बड़ी आराम से आपको स्क्रब करना है, पूरी नेक पे आप स्क्रब कर सकते हो। और जिधर जिधर आपका ज्यादा डार्क एरिया ना, उधर आराम से और ज्यादा जोर से मत करना, बड़ी आराम से आपको करना है स्क्रब। राइस फ्लावर में ना आप सबको पता ही है कि इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी स्किन को ना एक नेचुरल ग्लो देता है और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, और हमारी नेक पे जो भी डर्ट होगा ना उसको इजिली रिमूव कर देगा, और लेमन के साथ भी जो एक्स्ट्रा डर्ट होगा ना उसको रिमूव कर देगा लेमन, और उसके साथ हमारी स्किन को क्लीन करेगा, और मिल्क क्या करेगा, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करेगा और हमारी स्किन को सॉफ्ट करेगा। अब 5 मिनट्स के बाद जो वेट टॉवल था उसके साथ आप क्लीन कर लो अच्छे से, आप सही से ना टॉवल के साथ पूरी नेक को क्लीन कर लेना। और एक और चीज, आपको पता है मैं अभी घूमने गया था और भाई इतनी ज्यादा बर्फ थी, 6 फीट स्नो थी, मतलब कि 6 फीट बर्फ थी। और मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पे ना वीडियो डाली भी है, DS बॉस को व्लॉग्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी जरूर दबा दो, जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। अब 3rd स्टेप आता है नेक मास्क। आपको लेना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी, उसमें आप ऐड कर लोगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, अगर आप परचेस करना चाहो परचेस कर लेना, और स्क्रीन पे भी व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा। अब आप इसको ना अच्छे से मिक्स कर लो और पेस्ट बना लो, और इसमें हमने जो मुल्तानी मिट्टी ऐड की है वो हमारी स्किन को ना ग्लो देने में हेल्प करेगा, और उसके साथ ना हमारी नेक को क्लीन करेगा, और अगर हमारी नेक पे ब्लैक स्पॉट्स होंगे ना उनको भी रिमूव करने में हेल्प कर देगा। और एलोवेरा जेल में भी ना स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, अच्छे से ना पूरी नेक पर अप्लाई कर लो, पीछे वाले पार्ट पे ज्यादा होता है, तो देखो मैंने अप्लाई कर लिया है। आपने इसको 10 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए रहने देना, और जब आपके 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप देख लो ये ड्राई हो गया, तो लूक वार्म वाटर के साथ वॉश कर लो। अब लास्ट स्टेप आता है, उसके बाद आपको लेना है एक बाथिंग स्क्रब, आप लूफा भी ले सकते हो, और उसमें आपको डालनी है शॉवर जेल, और लूफा के साथ ना आपको अपनी नेक पे स्क्रब करना स्टार्ट करना है। और ये वाला स्टेप ना आपको 2 मिनट्स तक करना है, बड़ी आराम से, और जोर जोर से रब मत करना, बड़ी आराम से करना आपको। जब आपने लूफा से अच्छी तरह स्क्रब कर लिया तो आप इसको वॉश कर लेना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना आपको लगातार 3 to 4 डेज करना है, और मैं सच में बोल रहा हूँ मुझे तो रिजल्ट मिला था, और आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे ना तो आपको 15 डेज में देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो यार ये वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, बाकी यार इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से आप फॉलो करो, DM या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय।